पद्मावती फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली का आज पुतला दहन किया गया, जिसमें हिंदू संगठन एवं राजपूत कर्मी सेना द्वारा राम मंदिर से जुलूस निकालते हुए नगर में होते हुए सिनेमा घर पहुँचे और सिनेमा मालिक को ज्ञापन सौंप कहा गया कि आप पद्मावती फिल्म का प्रसारण नहीं करें, जिस पर सिनेमा मालिकों ने भरोसा दिलाया और फिल्म न चलाने का वादा भी किया। इस फिल्म में विवादित शॉट हटाने का आग्रह भी किया गया। शामगढ़ से गोविंद सिंह परिहार के साथ विजय रतोदिया की रिपोर्ट। सारी जवाबदारी मैं लेता हूँ राष्ट्रीय सेना के उपाध्यक्ष तीरथ सिंह सिसोदिया जी द्वारा चुनाव वाली। आपने अभी शासन को क्या अवगत कराया, किस बात की जानकारी हो, क्या बात का है कि मतलब जो 1 दिसंबर को जो रिलीज हो रही है वो रिलीज ना हो और प्रदर्शन नहीं किए जाए इस फिल्म का। सिनेमा घर में भी गए थे, क्या निवेदन हुआ उसका? हमने उन्हें बताया है कि जो माँ पद्मिनी है वो हमारी करणी सेना राजपूत सेना की नहीं वरन पूरे हिंदू समाज का सम्मान है, जिसके साथ वो मुगल को लेकर कुछ बदतमीजी वाले सीन प्रदर्शित कर रहा है जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हमने उनसे निवेदन किया है कि जो अभी ज्ञापन है अगर इसके बावजूद भी आप चलाते हो तो उसकी जो भी क्षति हो रही है उसका जिम्मेदार वो स्वयं होंगे और हमारी तरफ से ये रहेगा कि जितना ज़्यादा नुकसान हो जाए वो सारा उसी का हो।